पे आते ही आप लोग इस तरह से शांत होके मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे मेरी श्रद्धांजलि दी जाए। इसलिए अगर जीवित हो तो एक बार जोरदार ढंग से जीना होने जिंदा होने का प्रमाण दें। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अभी फारूक भाई आए थे, आदरणीय, बहुत सारी बातें कर रहे थे, मेरे खानदान के विषय में बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है। और आदरणीय हरीश जो कहे थे सही ही कहे होंगे, क्योंकि हरिश्चंद के खानदान के इकलौते चिराग यही बचे। बड़ा अच्छा लग रहा था, माँ की बात हो रही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि माँ की बात हो रही थी कि बाप का कुछ अस्तित्व ही नहीं है। बेटी की बात हो रही थी जैसे हम भाई गूगल से डाउनलोड किए गए। अगर कुछ बात कुछ बन रही हो तो तालियां बजाइए एक बार फिर। बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व वैलेंटाइन डे आने वाला है। अगर राष्ट्रीय पर्व घोषित नहीं है तो घोषित हो जाना चाहिए। आदरणीय कह रहे हैं कि भाजपा के लोग बैठे हुए हैं वही लोग घोषित कर दें। अब आदरणीय को बुरा लग रहा है, मैं वैलेंटाइन डे को राष्ट्रीय पर्व कह रहा हूं। बुजुर्गों को खराब लगता ही है, इसलिए खराब लगता है कि इनके जमाने में वैलेंटाइन डे था ही नहीं। अब हम लोगों के जमाने में वैलेंटाइन डे आया है, तीन लोगों को बुरा लगता है। लेकिन सही बताऊं कि पिछली बार वैलेंटाइन डे के दिन मैं भी पार्क में चला गया था। एकदम सही बता रहा हूं, पिछली बार मैं भी वैलेंटाइन डे के दिन पार्क में चला गया था। मैंने एक लड़की को फूल दिया, जैसे ही फूल दिया उसने खींच के एक थप्पड़। मैंने कहा मैडम ये क्या मजाक कर रही है, वैलेंटाइन डे के दिन इतने प्यार से मैं आपको फूल दे रहा हूँ, आप मुझे थप्पड़ मार रही है। लड़की ने कहा परेशान मत हो, ये अपने अपने चुनाव चिन्ह की बात है। मजा लीजिएगा, तालियां बजाइएगा। लड़की ने कहा अपने अपने चुनाव चिन्ह की बात है, तुम्हारा चुनाव चिन्ह फूल और मेरा चुनाव चिन्ह। असली मजे की बात अब आ रही है कि बात में समझ में आया अच्छा हुआ लड़की कांग्रेसी थी, अगर कम्युनिस्ट की होती तो। असली मजे की बात अब आ रही है कि थोड़ी देर बाद और समझ में आया कि ये भी अच्छा हुआ, अगर बसपा की होती तो। फिर वैलेंटाइन डे के दिन उस पार्क से जो चार पंक्तियां पैदा हुई वो चार पंक्तियां आपके हवाले करता हूं, और उन चार पंक्तियों से आपका छमाही टेस्ट भी ले रहा हूं कि मुझे कितनी देर तक माइक पर रहना है। ज्यादा देर तक माइक पर रह के अपनी इज्जत आबरू खतरे में डालना नहीं चाह रहा हूं। वैलेंटाइन डे के दिन उस पार्क से जो चार पंक्तियां पैदा हुई आप तक रखता हूं कि अपनी दिलकश अदाओं से निमंत्रण मूक देती है, अपनी दिलकश अदाओं से निमंत्रण मूक देती है, गिरा के हुस्न की बिजली मेरा दिल फूंक देती, गिरा के हुस्न की बिजली मेरा दिल फूंक देती है, करूं मैं किस तरह से प्यार का इजहार तुम बोलो, करूं मैं किस तरह से प्यार का इजहार तुम बोलो, मैं उसको फूल देता हूं वो मुझ पे थूक। मतलब की बात जल्दी समझ आ रहा है। अब आपके चाल चलन का भी मुझे अंदाजा हुआ। नहीं नहीं, उसके प्रति आदर भाव है, बहुत सही समझा उसने, सही आपका अभिनंदन किया, आपका सम्मान किया, जो होना चाहिए था जैसा मुंह वैसा स्वागत। और कोई बात? फिर
फिर आदरणीय छेड़ रहे हैं मुझे। दरअसल में संचालकों की छेड़ने की आदत होती है और मैं ये नो वो आपको देख के आया है, वो बनारस से आया है सीधे सीधे। मैं ये कह रहा था कि अभी आदरणीय हरीश जी फिर मुझे छेड़ रहे थे। दरअसल में ये जिस आदत होती है, संचालकों की आदत होती है और जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो कतई नहीं जाती है। एकदम बता रहा हूँ कि जिसकी जो आदत पड़ जाएगी वो नहीं जाएगी। मेरे गांव में ही गहमर में एक सब्जी वाले के यहाँ बच्चा पैदा हो गया। वो मेरे पास आया, उसने कहा कि भाई साहब मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा बच्चा कैसा है? उसने कहा बिल्कुल ताजा है। ये आदत की बात है, ये जिसकी जो आदत पड़ जाएगी वो जाती नहीं है। अब मजे की बात आ रही है कि वो मेरे यहाँ एक बस के कंडक्टर की शादी हो गई। जब प्रथम रात्रि में वो कमरे में गया तो उसने पत्नी से कहा कि बहन जी थोड़ा सा उधर की सकी एक सवारी और है। नहीं, ये आदत होगी जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो जाती नहीं है। एक हिंदी के अध्यापक की शादी हो गई। जब वो प्रथम रात्रि में कमरे में गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपना जब तक चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिखाओगी मेरी बाहों की कक्षा में कदा प्रवेश नहीं करेगी। ये आदत होती है, एकदम आदत की बात है, जो आदत पड़ जाती है। जिसकी जो आदत पड़ जाएगी वो कतई नहीं जाएगी। अब मजे की बात है, एक दरोगा जी की शादी हो गई। जब वो प्रथम रात्रि में कमरे में गए तो उन्होंने पत्नी से कहा कि तुम अपने विषय में सच सच बताओ वरना थर्ड डिग्री अपनाऊंगा और तुम टूट जाओगे। भाई साहब पत्नी सच सच बताती, शादी ही टूट गई। एक और घटना याद आ रही है कि जब ओबामा जी आए थे, मोदी जी गए थे, चाय पेश किए, उन्होंने कहा कि ये चाय है, तो जिसकी जो पुरानी आदत होती है वो तो करेगा ही। ठीक है, अब असली मजे की बात आ रही है, एक विधायक जी की शादी हो गई और जब वो प्रथम रात्रि में कमरे में गए उनके पीछे पीछे समर्थक भी जाने लगे। आदत होती है, विधायक जी कमरे में जाने लगे, पीछे पीछे समर्थक जाने लगे। विधायक जी जब पीछे मुड़ के देखे समर्थक, उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, अब तुम लोग काम समाप्त हो गया। समर्थकों ने कहा कि नहीं विधायक जी आप अंदर जाइए, हम आपका बाहर से समर्थन करेंगे। दस पांच मिनट बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, समर्थक बाहर से नारा लगाने लगे कि विधायक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। बहुत सारी बातें मन से हुई, देश की बात हो रही थी। इस हिंदुस्तान में विडंबना है कि जिसके हाथ में कुछ नहीं है उसको देश की चिंता खाई जा रही है। सही बता रहा हूँ चाचा जी कि जिसके हाथ में कुछ नहीं है उसको देश की चिंता खाई जा रही है और जिसके हाथ में सब कुछ है वो देश ही खाई जा रही है। ये गिरावट हुई है अपने हिंदुस्तान में। अपने हिंदुस्तान में दो मूल्यों में गिरावट हुई है, एक नैतिक और दूसरा राजनैतिक, और दो के भाव बेतहाशा बढ़े हैं, एक जमीनों के दूसरा कमीनों के। कि मेरे गांव का बुजुर्ग कुत्ता भौंक भौंक के कर रहा था ऐलान, मेरे गांव का बुजुर्ग कुत्ता भौंक भौंक के कर रहा था ऐलान, प्यारे कुत्ते भाइयों हो जाओ सावधान, हमारी भी है कुछ इज्जत कुछ शान। आज आदमी घुसखोरों को कुत्ता कह रहे हैं, आज आदमी घुसखोरों को कुत्ता कह रहे हैं, आपसी मतभेद के कारण हम सुन रह रहे हैं, कल तक जो हमारी वफादारी के कायल थे आज खुलेआम हमारा उपहास कर रहे हैं। हमारी तुलना घुसखोर डंडाधारियों, कामचोर कर्मचारियों, मुनाफाखोर व्यापारियों, यहाँ तक कि भ्रष्ट कदरधारियों से कर रहे हैं। हमारी तुलना घुसखोर डंडाधारियों, कामचोर कर्मचारियों, मुनाफाखोर व्यापारियों, यहाँ तक कि भ्रष्ट खद्दरधारियों से कर रहे हैं। जात के नाम पर आओ खाए कसम, जात के नाम पर
रहा हूँ भाई कसम, एक हो रहेंगे हम, अब न किसी को टोकेंगे न किसी को काटेंगे, यदि वो कुत्ता है वही भौंके, हम नहीं भौंकेंगे।